दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब हम एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम से डील करते हैं तब उस समय फूड हमारे बॉडी के ऊपर मेडिसिन का काम करती है, दवाई का काम करती है, वह कैसे आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। लेकिन फूड की जानकारी से पहले यह जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या। बहुत लोग इस बीमारी को ठीक से जानते नहीं है, इसलिए उनके लिए संक्षेप में बताने जा रही हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस सही में है क्या। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस को लाइन करने वाला टिश्यू यूट्रस के आउटसाइड ग्रो करता है, जैसे कि ब्लैडर, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज इत्यादि। परिणाम स्वरूप महिलाओं की बॉडी में इन्फ्लामेशन इंक्रीज होने लगती है और एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स ग्रो होने लगते हैं। इन्फ्लामेशन के कारण ही फैटिक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पेन, इनफर्टिलिटी इत्यादि प्रॉब्लम्स जन्म लेती है। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स जैसे कि हैवी ब्लीडिंग, पेन, नौजिया, फैटिक इत्यादि महिलाओं की कंडीशन को बहुत ही ज्यादा मिजरेबल बनाते हैं। महिलाएं अगर ऐसे आहार लें जिसमें कि डाइट्री फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन भरपूर मात्रा में हो तब बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बैलेंस होती है और इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। इस तरह आहार फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन हमारी बॉडी में मेडिसिन का काम करती है। नंबर वन, फूड कैसे एंडोमेट्रियोसिस को अफेक्ट करती है, आइए जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इन्फ्लामेशन और हाई एस्ट्रोजन लेवल एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करती है। आहार यानी फूड इन्फ्लामेशन को कम करने और एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने का रोल निभाता है। फाइबर से युक्त अनाज के सेवन करने से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। फाइबर युक्त डाइट के सेवन करें, जैसे कि ग्राउंड फ्लैक्सीड, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, ब्राउन राइस। लेग्यूम्स में बीन्स, लेंटिल्स, चिकपीस इत्यादि। लेकिन ध्यान रहे फ्लैक्सीड का सेवन 3-4 स्पून ही करें। साथ में दोस्तों 7-8 ग्लास ऑफ वाटर के सेवन आप अवश्य करें, यानी 7-8 गिलास पानी आप अवश्य पिए। 7-8 गिलास पानी का सेवन एक बार नहीं करना है, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीना है। अब है फैट इन्फ्लामेशन को कैसे रिड्यूस करती है। ओमेगा 3 फैट इन्फ्लामेशन को कम करता है। ओमेगा 3 के लिए फैटी फिश जैसे कि सालमन, सार्डिन्स इत्यादि का सेवन आप कर सकते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन है। ओमेगा 3 के लिए नट्स और सीड्स का सेवन आप अवश्य करें, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट इत्यादि। और ये है वेजिटेरियन के लिए। मोनोसैचुरेटेड फैट में भी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने की क्षमता होती है, जैसे अवोकाडोज, नट्स एंड सीड्स, ऑलिव ऑयल, पीनट बटर इत्यादि। मिनरल्स मसल्स को रिलैक्स करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, इसलिए मिनरल्स की सेवन आप अवश्य करें, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक इत्यादि का सेवन आप अवश्य करें। ये मिनरल्स मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रिड्यूस करते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। मैग्नीशियम के लिए डार्क चॉकलेट, लीफी ग्रीन, लेट्यूस, काले स्पाइनक, लेग्यूम्स जैसे कि ब्लैक बीन इत्यादि का सेवन करें। जिंक से भरपूर आहार के सेवन करने से हमारी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस होती है। कुछ फूड को अवॉइड करना है जिससे कि इन्फ्लामेशन और भी ज्यादा इंक्रीज होती है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, लाल मीट, फैटी मीट, जंक फूड, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एंडोमेट्रियोसिस को जड़ से दूर करने के लिए योगासन नियमित करें और हेल्दी आहार अवश्य लें। धन्यवाद दोस्तों।